रहबर की अजमत को समझें। ईरान के ये बुजुर्ग आलिम दीन उस्ताद दानिशमंद फरमाते हैं कि अगर मैं रहबर की मजलूमियत बयान करूं तो तुम्हारे दिल खून के आंसू रोएंगे। रहबर बहुत मजलूम है। वो एक वाकया नकल करते हैं कि जब वो हरम इमाम अली इब्न मुसर रज़ा अलैहिस्सलाम में तशरीफ फरमाते तो उनकी मुलाकात रहबर के एक सिक्योरिटी अहलकार से हुई, तो वो उनसे रहबर के अहवाल जानने लगे कि रहबर कैसे हैं। तो वो सिक्योरिटी अहलकार रहबर के अहवाल बताने लगा और कहता है कि रहबर का अपना एक बरनामा है जिसमें हफ्ते में एक मर्तबा वो किसी ना किसी शहीद के घर जाते हैं ताकि उनके घर वालों को तसलियत अर्ज करें। लेकिन रहबर हमेशा हमसे ये ताकीद करते हैं कि मेरे आने की खबर उनको पहले से ना दी जाए, कहीं ऐसे ना हो कि वो तैयारियों में कहीं मुश्किल में ना आ जाए। जब रहबर गाड़ी में होते हैं तो 15 मिनट कब्ल कोई ना कोई जाके उनके घर ये पैगाम पहुंचाता है कि रहबर आपके घर आना चाहते हैं, आपसे इजाजत चाहते हैं। एक मर्तबा ऐसे हुआ कि एक शहीद के घर हमारा जाना हुआ तो मैं खुद इजाजत तलब करने के लिए 15 मिनट कब्ल उस शहीद के घर पहुंचा तो क्या देखा कि घर पहले से सजा हुआ है, घर को साफ किया गया है। मैं जैसे ही दस्तक दिया तो शहीद की माँ बाहर आई और सवाल किया कि आगा कहाँ है, तो मैं हैरत में पड़ गया और कहा कि कौन आगा। तो शहीद की माँ फरमाती है आगा रहबर सैयद अली खामेनेई कहाँ है। तो मैं पूछने लगा आप कैसे जानती हैं कि रहबर आपके घर आने वाले हैं। तो वो रोने लगी और फरमाया कि कल रात मेरा बेटा मेरे ख्वाब में आया और वो कहने लगा कि खुशहाल हो जाओ, कल आपके घर सैयद अली आने वाले हैं। अभी गुफ्तगू ही हो रही थी कि इतने में रहबर को तशरीफ लाए तो वो रोने लगी और उसने इदामा दिया, कहा कि कल वक्त के इमाम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ भी मेरे ख्वाब में आए थे और कहा कि कल सैयद अली खामेनेई आपके घर आने वाले हैं, मेरे तरफ से खुश आमदीद कहना और मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचा देना। तो रहबर कहने लगे कौन सा पैगाम। तो शहीद की माँ कहती है कि रहबर को मेरा सलाम कहना और कहना कि खुदा से इतनी मौत की तमन्ना ना करें, मेरे जहूर का वक्त करीब है। तो रहबर ने जैसे ही सुना बहुत गिरिया किया। उसका दानिशमंद फरमाते हैं कोई ऐसा काम अंजाम ना दें अगर आगा की मदद ना कर सकते हैं तो उनकी राह में रुकावट ना बने, वाकई ये बहुत बड़ा जुल्म है, खुदा कभी माफ नहीं करेगा।